फिर अपन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कोरल ग्रुप। सोरल ग्रुप में कल हमने आपके सेव टूल पूरे बता दिए थे, इसमें जितने ऑप्शन रहते हैं आना जो कोई नहीं है क्या नहीं आपने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, आपने उसको ड्रैग किया, अब आप यहाँ से कलर पे क्लिक कर देते तो फिर लगा था। आप पूछ लेते ना टीचर से, अगर आप इसको राइट क्लिक कर देते तो यहाँ से इसकी बॉर्डर का कलर पे लगा देते, यहाँ से आप इसकी हेयर लाइन की भी थोड़ा देते। आप कर लेना, आप तो नहीं आए तो आप हमसे पूछ लेना, जिस टाइम हम लैब में रहते हैं ना उस टाइम आप रिवीजन कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टूल यहाँ पे रहता है, एक रहता है आपका जूम टूल, एक रहता है हैंड टूल। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई भी सेव वगैरह बनाया है, यहाँ पे कोई भी पिक्चर वगैरह आप मोबाइल से यूज मत कीजिए, हमने तो पहले बोला था कि ना स्टार्ट होने से पहले। ठीक, अब आप यहाँ से कोई भी पिक्चर लेते हैं या सेव, अगर आपको उसे जूम करना है तो आप यहाँ से जूम टूल सिलेक्ट करना, यहाँ से ये जूम हो, ये आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वाला आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है यहाँ से जूम इन हो जाए, इससे यहाँ पे जूम आउट करके आपको दे देगा। इसमें आगे की और ऑप्शन है जूम टू सिलेक्ट से, आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपको पैसे यहाँ पे दे देगा, ये आपका यहाँ पे जो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा उस अकॉर्डिंग आप इसे जूम कर सकते हैं। पहले अपन इसको हैंड टूल सिलेक्ट करते हैं, एज प्रेस करते हैं, ये इस टाइप से यहाँ पे नॉर्मल हो जाए, इससे अपन यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं टू पेज, तो ये पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मल हो गया। ठीक, अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया जूम टू, तो देखिए ऑप्शन आ, अगर आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो इसने क्या किया पूरे ऑब्जेक्ट को जूम कर दिया। इस वाले में ऑप्शन क्या दे रहा है जूम टू सिलेक्ट शिफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे और आपने जैसे इस पर क्लिक कर दिया सिर्फ यहीं से जूम हुआ है, ये देखिए जूम हो रहा है यहाँ, सिर्फ कहाँ से होगा इस वाले कॉर्नर से जहाँ आप उसको क्लिक करेंगे, देखिए हो रहा है क्या जूम हो रही है इस चीज़ से बॉर्डर, देखिए हो रही है। ठीक, आप इस टाइप से यहाँ पे अप्लाई कर लेना, नॉर्मल करना है अपन इसे ड्रॉप डाउन एरो पे चलते हैं टू पेज पे क्लिक कर देते नॉर्मल हो जाएगा। अब आप देखिए आपको इसमें एक दिया रहता है हैंड टूल, अभी अपन यूज कर रहे थे हैंड टूल का, आप तो जब ज्यादा जूम हो जाता है आपको उसको सही करना रहता है, तब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जितना आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसमें आप देखिए जब आप हैंड टूल सिलेक्ट करेंगे तब भी प्रॉपर्टी बार में तो ऑप्शन कौन से आएंगे जूम टूल के, इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, आपको टू सिलेक्ट करना है, टू फिट के हिसाब से करना है, पेज के हिसाब से करना है, विड्थ के हिसाब से, हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी टाइप से आप इसे जूम करना चाहते हैं आप इन ऑप्शन को यहाँ से अप्लाई कर लेना। 10% करना है, 25, 50, 75, ये इससे जूम आउट हो जाए, इससे जूम इन हो जाए जितना आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे रहता है फ्री हैंड टूल, इससे ड्रॉप डाउन एरो पे चलेंगे तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से यूज करते हैं आपको यहाँ पे कोई भी शेप वगैरह बनाना है, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया यहाँ जाके आपने इसको छोड़ दिया तो देखिए एक शेप आपके सामने यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब इसने तो शेप बना लिया, जो भी कलर अभी आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं देखिए क्या इसमें फिल हो रहा, क्लिक करने से फिल होता था, अभी अपन इसकी हेयर लाइन यहाँ से बढ़ा देते हैं। देखिए अब अपन इस पर राइट क्लिक करते हैं, बॉर्डर में तो कलर चेंज हो रहा है लेकिन शेप में कलर फिल नहीं होगा, क्योंकि फ्री हैंड टूल से आपने क्या बनाई एक तरीके की लाइन बनाई, जिससे क्या होगा उस बॉर्डर का कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन उस शेप में कलर फिल नहीं होगा। अब जैसे आपने क्या किया इसको लंबे में स्ट्राइप से यहाँ पे ट्रैक कर दिया, या आपने यहाँ पे क्लिक किया कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके आई लेगा और यहाँ पे यहाँ क्लिक करते हैं, शिफ्ट की प्रेस थी और आपने इसको आगे यहाँ पे जाके छोड़ दिया तो ये थोड़ा सा आपको सीधे में दे देगा, अभी आप नॉर्मल बनाते तिर से चला जाता। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया इसको आप जैसे यहाँ क्लिक करके अपन यहाँ से बनाएंगे, अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके आगे जाके इसको छोड़ देंगे, सॉरी कितने में छोड़ दिया, ये शिफ्ट की प्रेस करना, अगर शिफ्ट की प्रेस ये सिलेक्ट करना शिफ्ट के साथ आगे जाके आप छोड़ देना तो वो सीधे बना देगा, इसमें वो सही से अप्लाई नहीं कर रहा, आप लोग नीचे सिस्टम पे कर लेना, जैसे उसने ये लाइन बनाई ऐसे ही आपको इस लाइन में बना के दे देगा, नॉर्मल बनाता है तो वो तिरछा चला जाता लेकिन शिफ्ट की में आपको सीधा दे देगा। अभी हम इसको हटा देते हैं, अभी अपन यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ये सीधी सी लाइन दे देते। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला, अब आप इसमें सेट कर सकते हैं, ये है स्टार्ट एरो, अगर आपको इस टाइप का कोई एरो वगैरह देना है, पहले हम इसकी हेयर लाइन की विड्थ बढ़ा देते हैं देखिए, हाँ अगर आपको इस टाइप का कोई एरो लेना है, इस टाइप का लेना है, जिस भी टाइप से आप यहाँ पे देना चाहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, इस टाइप से यहाँ पे आपको ये दे देगा
और अगर आपको यहाँ से लेना है आउट हैंड स्टाइल, तो यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी, जिसकी होगी बीच वाली की। जैसे हमने इसको यहाँ से नॉर्मल ले लिया इस टाइप, देखिए ये लाइन चेंज हो रही है, इस टाइप की लाइन रहती है। आप यहाँ से जो भी स्टाइल इसे देना चाहते हैं यहाँ पे आपको चेंज करके दे देगा, जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं। और अगर आपको यहाँ से एडिट मतलब एंड में देना है, जो भी एरो आप देना चाहते हैं एंड में, तो यहाँ से एंड में ले लेगा। अब जैसे अभी अपन इसमें सिंपल लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला देखिए दे रहा है, एक स्टार्टिंग में एक एंड में, जिस भी टाइप का एरो आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप इसमें सेलेक्ट कर लेना। विथ आपको कम ज़्यादा रखना है तो यहाँ से आप इसको सेट कर देना। विथ कम ज़्यादा होगी तो जो स्टार्टिंग का एरो रहेगा और लास्ट का वो भी आपका चेंज हो जाएगा। कलर फिल करना है तो आप इस पर यहाँ से राइट क्लिक कर देना, देखिए इसमें कलर फिल हो जाएगा। कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग इसका चेंज कर सकते हैं, इतना कर लेंगे। अगर आपको इतने टूल्स में कोई डाउट ना हो तो हम आपको आगे आज वो बनाना बता देते हैं। आईफोन का लो रूलर स्क्रॉल बार, हाँ स्क्रॉल बार से हो जाएगा, इससे जूम आउट जूम इन का काम करता है ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार से। जैसे आपने इस तक जूम कर दी, अब आप कीबोर्ड से हैंड टूल सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे ये स्ट्रैप से आ रहा, एज प्रेस कर देना, एज प्रेस करने से हैंड टूल आ जाएगी स्ट्रैप से आ रहा। और जैसे हैंड टूल सेलेक्ट हुआ तो प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई। अब आप यहाँ से इससे ड्रॉप डाउन एरो पे जाना, टू पेज पे क्लिक कर देना, नॉर्मल हो जाएगा। कर लेंगे तो हम आईफोन का लोगो बनाना पड़ता है। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट टूल देखने को मिलेगा, आप यहाँ से लेफ्ट टूल सेलेक्ट करना, आप यहाँ पे स्ट्रैप से सर्कल बना लें, बन जाएगा। फिर आप क्या करना, इसके पास में आप इसके ऊपर ही एक और स्ट्राइप का सर्कल यहाँ पे बना लेना इसके ऊपर ही, फिर आप सॉरी कंट्रोल जेड करना, फिर आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करना नॉर्मल, और आप इसको यहाँ से स्ट्राइप से मूव कर देना थोड़ा सा, मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना दोनों को, जितना भी आपको यहाँ पे रखना है। देखिए सेट हो जाए। अब आप क्या करना, पेज टूल सिलेक्ट करना, इन दोनों को साथ में सिलेक्ट करना। जैसे ही ये दोनों साथ में सिलेक्ट हुए प्रॉपर्टी बार चेंज हुआ, देखिए फिर से करते हैं, अभी से कौन सा सिलेक्ट किया वाला प्रॉपर्टी बार चेंज आ रहा और इस पर क्लिक करेंगे तब भी सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग सिलेक्ट थे, लेकिन जैसे ही दोनों को साथ में सिलेक्ट किया प्रॉपर्टी बार चेंज हो गया। अब इसमें आप देखेंगे इसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है वेल्ड, इस पर क्लिक कर बीच में से स्ट्राइप से यहाँ पे कट हो जाएगा। पहले हम इसको कंट्रोल जेड कर किसको जूम करना, इसके लिए भी आप यहाँ से जूम टूल ही सिलेक्ट कर, ये यहाँ पे जूम टूल सिलेक्ट हो जाएगा, ये इसको आप यहाँ से जूम कर लेंगे, जितना आपको जूम करना है जूम आउट करना है वो तो वहीं से ले लीजिए। अभी अपन इसको थोड़ा सा स्ट्राइप से यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और आप यहाँ से बेल्ट पे क्लिक कर देना, इस टाइप से यहाँ पे ये बेल्ट हो जाएगा, इस तरफ से ज़्यादा मोटा हो या इस तरफ से पतला हो हम इसको यहाँ ले जाते हैं। अब अपन इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको अपन यहाँ से बेल्ट कर देते हैं, बन जाए। इसका साइज भी अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो इसका साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा कर लेना, जितना भी आपको रखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे आपको बीच में ये डॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आप क्या करना है, यहाँ से आप सेफ टूल सेलेक्ट करना, सेफ टूल लेने के बाद आप इस पर क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक बार आप इस वाले पे क्लिक कर दो, देखिए अंदर की तरफ चेंज हो गया। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपको ये ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ये रहता है मेक नोट साइमेट्रिकल, आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सेफ यहाँ से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, अंदर की तरफ आइए, उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया। इतना लेने के बाद आप यहाँ पे फिर से लेफ्ट टूल सेलेक्ट करना और एक सर्कल आप इस टाइप से यहाँ पे बना इसके ऊपर बना लो, ठीक। अब आप पेज टूल सेलेक्ट करना, इन दोनों को आप साथ में सेलेक्ट कर लेना, आप लोग इस सर्कल थोड़ा अच्छे से रख लेना तो ये बीच में पॉइंट आप लोग दे देंगे, थोड़ा आगे पीछे हो गया था इसलिए इस टाइप से आ रहा है, कर लेंगे। अब इसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, ये फ्रंट माइनस है, ये है बैक माइनस, हाँ आपको फ्रंट से माइनस करना है बैक से, आप किस पे क्लिक करेंगे, बैक माइनस, आप यहाँ से बैक माइनस पे क्लिक करना, देखिए यहाँ से ये माइनस में सेप को आधा बीच में से काट देगा माइनस हो गया। अब आपका जो आईफोन का लोगो रहता है उसके ऊपर भी आपका यहाँ से सेप बना देता है, आप लेफ्ट टूल सेलेक्ट करना, अब इस सर्कल को आप अलग से बना लेना, अलग से बन गया। अभी आपको इसकी डुप्लीकेट कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस डी करना तब भी हो जाएगी, या आपको फिर से सर्कल तो वैसे भी बनाना पड़ता है, अपन ने इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर ली कंट्रोल प्लस डी से। अब आप पेज टूल सेलेक्ट करना, इन दोनों को साथ में सेलेक्ट करना, आप इसमें अभी एक ऑप्शन आ रहा था आपको यहाँ पे इंटर सेट, ठीक आप इस पर क्लिक करना,
जैसे इस पे क्लिक करेंगे इंटरसेक्ट क्या करता है, बीच वाला एरिया सिलेक्ट कर देता है, आसपास सब वो हटा देता है।